सीपीएम और तृणमूल वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली में आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ गठबंधन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारे भारतवासी जो बाहर में है वो हमें फोन करके बोलते हैं कि हमें वहाँ के लोग इतना इज्जत रेस्पेक्ट करने लगे अब कि अब उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारा मतभेद तो है ही, मनभेद भी उन्होंने यहाँ दिखा दिया। भारतीय होने के नाते प्राउड फील होती है कि इस देश में हमारा आज जो G20 समिट हुआ है, ऐसे आगे भी कुछ कुछ होता रहे। जो दिखता है वो बिकता है, जो यह दिख रहा है और जरूर देश में कितना ज़्यादा लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, लोग दुनिया के लोग G20 देगा। उनको पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसमें पब्लिक मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि G20 समिट जो है सक्सेसफुल रहा, 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने यहाँ पर विजिट किया और इस टाइम जो देखा जाए तो बहुत से लोग घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, तो इन्हीं सब लोगों से बात करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम M.K. शाह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। कैसा लग रहा है ये सब देख के? अरे बहुत लग रहा है कि अब हिंदुस्तान का, पहले भी हम लोग आगे बहुत आगे थे, अब इस G20 समिट से एक प्राउड फील हो रही है। प्राउड इन देंस सब कि हम जो पहले और जो और कंट्री हमें ऐसे नहीं देखती थी, अब दुनिया के सबसे, मोदी जी की वजह से दुनिया के सबसे अग्रणी श्रेणी में हम लोग देख रहे हैं। और हम जो बाहर भी जाते हैं तो अब उनको भी, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में बाहर में, वो सब हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि यार G20 समिट, जो हमारे भारतवासी जो बाहर में है वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें वहाँ के लोग इतना इज्जत रेस्पेक्ट करने लगे अब कि अब उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया जो यहाँ कैसे देख करके। खुश हैं और आपके जो खुशी मतलब कि जस्ट लाइक दैट कि आप सोच सकते हैं कि एक दुनिया के जो टॉप शीर्ष नेता उनको लीड कर रहे हैं मोदी जी। आप सोच सकते हैं कि अब वो हमारे जो यहाँ पर जो उन्होंने बात हुई वो तो हुआ, लेकिन राजघाट में जाकर के एक उस तरह से सबके साथ आप लेके जा रहे हैं, अब आ रहे हैं, वो देख करके ये आने वाला दिन में हमें ये छोड़ दीजिए पार्टी पॉलिटिक्स, विपक्ष क्या कहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम अपने बींग भारतीय, भारतीय होने के नाते प्राउड फील होती है कि इस देश में हमारा आज जो G20 समिट हुआ है, ऐसे आगे भी कुछ कुछ होता रहे, ये जो अच्छी बात है देश के लिए। आपने कहा कि विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष कहता है कि हमारे पास 40% जो है वोट सपोर्ट है उनके पास, और निमंत्रण सोनिया गांधी जी को नहीं दिया गया और जिनको दिया गया वो लोग आए भी नहीं। देखिए यहाँ पर हम सोनिया गांधी नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसका है, जो कंसिल पोस्ट है उनको ही निमंत्रित किया जाएगा ना। अब पार्टी में तो हमारे JP नड्डा साहब भी है और भी बहुत सारे पार्टी है, सारे पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया जाए तो फिर तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। उन्हीं को बुलाया जाएगा जो हमारे कंसिल पोस्ट, जैसे कि हमारे देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर लोग हैं उनको बुलाया गया था, कुछ आया कुछ नहीं आया। अब नहीं आए उनको भी, अब अच्छा है आए उनके, जो आते तो और अच्छा होता कि उनको एक शोभा होता है कि देश को, उनको भी अच्छा कि देश के जितने भी स्टेट कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश थे उसके मैंने देखिए बाकी महागठबंधन से तो लोग आए। हाँ आए ना, जो नहीं आए उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, वो आते तो और भी अच्छा होता है कि चलो सारे के सारे यहाँ पर एक देश के रिप्रेजेंटेशन होता, उनको भी लगता है कि जितने भी हमारे बाहर के लोग आए थे उनको भी लगता है नहीं देश यूनाइट है, देश के सारे। देखिए मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारा मतभेद तो है ही, मनभेद भी उन्होंने यहाँ दिखा दिया कि हम इनसे सपोर्ट नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी जी बाहर जाके बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने झुग झोपड़ी है के लोग यहाँ आए हैं तो हमारे देश के जो विपक्ष के नेता वो बाहर गए हैं। हाँ बाहर गए, हाँ वहाँ से टिप्पणी कर रहे हैं कि अब झुग झोपड़ी को ढक दिया। अरे जो अच्छा ही हो अच्छा ही दिखाएंगे ना, हम थोड़ी बाहर कंट्री में बहुत कुछ है तो थोड़ी दिखाएंगे, जो हम जो देश का अच्छा चीज़ अच्छा दिखाएंगे। बाहर जो कुछ भी हम जैसे रह रहे हैं जो उसके कोई ये नहीं है कि हम कैसे रह रहे हैं, लेकिन देश में जो अच्छा माहौल बन रहा है ये इससे बिजनेस ही बढ़ेगी देश में। एक जो लोग देख के गए यहाँ से, जो यहाँ अटेंड करके गए वो तो बताएगा कि नहीं हिंदुस्तान की बिजनेस बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 4000 करोड़ खर्च किया गया। देखिए यहाँ पर 900 करोड़ और 4000 की बात नहीं है, जो बहुत सारे चीज़ में आगे इसको जो दिखता हुई बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो यह दिख रहा है और जरूर देश में कितना ज़्यादा लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, लोग दुनिया के लोग G20 देगा। आप मान सकते हैं दुनिया के लोग G20 देगा, दुनिया में भारत का कितना ज़्यादा नाम हुआ, तो इस चीज़ को आप देखिए ना, जो पैसे खर्चे हुआ, जो बिना खर्चे तो होगा नहीं कुछ भी।
आप जो आप घर में भी कुछ सामान घर छोटा सा घर बनाते हैं आप, उसमें भी आपको सुंदर दिखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपको जितना औकात अकॉर्डिंग आप खर्चा करते हैं ना, हम आप छोटा सा घर बनाते, ये तो देश की बात है। ये तो जो खर्चा हुआ वो भी कुछ नहीं और भी होना चाहिए, जितना सुंदरीकरण की जितना अच्छा हो उतना अच्छा होना चाहिए। जिसे हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये खराब है चाहे ऐसे है, ठीक है, ये बेटर है, बहुत अच्छा है। और होप्स कि भगवान और अच्छा हमारे देश तरक्की करें और मोदी जी को जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चिढ़न सी हो रही है विपक्ष को, आप देखिए उनका जो देखिए जो कुछ कहता है कहने दो, लेकिन आपको उनको भी वो तो फॉरमैक नहीं कह सकते, लेकिन वो भी अंदर आपसे सोच रहे होंगे कि यार क्या समझाते हैं वहाँ पे, समझ सकते हैं आप मेरी बात कि वो भी लोग अंदर से खुश है लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स वजह से नहीं बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो हुआ वन ऑफ द बेस्ट। चलिए इन्हीं बातों को लेकर हम जानना चाहेंगे 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? मोदी शुड कंटिन्यू, महागठबंधन बन चुका है, होना चाहिए, विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए, महागठबंधन बनना है उनका काम है बनने का न, लेकिन पब्लिक को पता है, पब्लिक को पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसमें पब्लिक मूर्ख नहीं है बेवकूफ नहीं है, समझिए मेरा बात, पब्लिक मूर्ख नहीं बेवकूफ नहीं है कि समझ रही है, पब्लिक को पता है कि और ये सब आप बताइए ना CPM और तृणमूल वहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ आप गठबंधन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली में आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ गठबंधन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो ये आप है ठीक है, गठबंधन है उनका भी होना चाहिए, कुछ हवा भी तो होना चाहिए, जब तक हवा होगा नहीं तो कुछ होगा नहीं।